जहाँ पर सात फेमिनिस्ट को एक्शन फिल्म के लिए ज्यादा पहचान जाते हैं, पर दूसरी तरफ साउथ का रोमांटिक फिल्म भी काफी इंटरेस्टिंग होता है और आने वाले दिनों में कई सारे इंटरेस्टिंग रोमांटिक फिल्में देखने को मिलेगा, जहाँ पर रेबल स्टार प्रभास का राधे श्याम से शुरू करके लव स्टोरी या फिर रंग दे फिल्म भी शामिल है। और आज मैं 2021 का अपकमिंग साउथ रोमांटिक फिल्मों के बारे में बात करने वाली हूँ। और अगर आप हो रोमांटिक फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 21 लव स्टोरी, ये अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें नागा चैतन्य और साई पल्लवी लीड रोल में नजर आएंगे। और इसी फिल्म के साथ दोनों का पहली बार के लिए ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। और अगर स्टोरी की बात करूं तो इसमें एक यंग कपल ने अपनी ड्रीम फुलफिल करने के लिए कैसे गांव छोड़कर शहर में आते हैं वह इसमें दिखा जाएगा। और इसमें काफी रोमांटिक सीन भी होगा। और कुछ दिन पहले लव स्टोरी का टीजर रिलीज हुआ और इस टीजर को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है। दोस्तों आपको ये टीजर कैसा लगा कमेंट करके बताना। नंबर 20 चबू कबूरू चला कब, ये अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें लविना त्रिपाठी और साथ में कार्तिक के गुम्मा गुंडा को लीड रोल में नजर आएंगे। और इसमें लविना को एक रियलिस्टिक रोल में दिखाया जाएगा जहाँ पर इसमें उन्होंने एक नर्स की रोल प्ले करी है। और दूसरी तरफ कार्तिका को इसमें एक वैन ड्राइवर के रोल में नजर आएंगे। और जहाँ पर इसका टीजर रिलीज हुआ है और जिसमें दोनों का काफी रोमांटिक एफ्टर के साथ कॉमेडी ट्विस्ट भी नजर आई है। नंबर 19 सुल्तान, ये अपकमिंग तमिल ड्रामा एक्शन रोमांटिक फिल्म है और इसमें कार्थी और रश्मिका मंदाना वाली ड्रोन में नजर आएंगे। और बता दो दोस्तों इसी फिल्म के साथ रश्मिका की कॉलेज डिपार्ट होगा और एक फ्रेश कपल है जिसमें दोनों को पहली बार के लिए ऑन स्क्रीन पर नजर आएंगे। और जहाँ पर इसमें कार्थी का एक्शन सीन के साथ ही साथ कई सारे रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। और कार्थी फिल्म के बाद अभी फैंस ने कार्थी का इस अपकमिंग फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है। दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है कॉमेंट करके बताना। नंबर 18 पेजेस, ये तेलुगु अपकमिंग रोमांटिक फिल्म है और इसमें निखिल सिद्धार्थ और साथ में अनुपमा परमेश्वरन को लीड रोल में नजर आएंगे। और जय पर अभी इस फिल्म का शूटिंग स्टार्ट हो गया है और सोशल मीडिया पर शूटिंग स्पॉट का कई सारे पिक्चर नजर आ रही है। और जय पर और सुबह निखिल के साथ अनुपमा की रोमांटिक एफ्टर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 17 काथु वकुला रेंडू कथल, ये अपकमिंग तमिल रोमांटिक फिल्म है और इसमें विजय सेतुपति समंता और नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगे। और अगर स्टोरी की बात करूं तो इसमें विजय का दो लव स्टोरी को दिखाया जाएगा जिसमें की स्टोरी में विजय का समंता के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ विजय और नयनतारा का लव स्टोरी को दिखाया जाएगा। और 96 का रोमांस के बाद विजय सेतुपति को और एक रोमांटिक फिल्म पे देखने के लिए फैंस ने काफी एक्साइटेड है। नंबर 16 निन्नीला निन्नीला, ये अपकमिंग कॉमेडी रोमांटिक फिल्म है और इसमें नीथा मेनन नासर और रितु वर्मा लीड रोल में नजर आएंगे। और जब इसका फर्स्ट लुक पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग रहा और जो पोस्टर फैंस को काफी पसंद आई है और इसमें इन तीनों का लव ट्रायंगल के साथ जुड़कर काफी कॉमेडी ट्विस्ट भी दिखाया जाएगा। नंबर 15 मोस्ट एलिजिबल बैचलर, ये अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें अखिल अक्कीनेनी और पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगे। और अगर स्टोरी की बात करूं तो इसमें अखिल को एक एनआरआई और पूजा को एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रोल में दिखाया जाएगा। और जहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का मेकर्स ने इस फिल्म को संक्रांति पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए प्लान कर रहा था पर अभी ये पोस्टपोन हो चुका है। और अभी तक इसका नया रिलीज को कंफर्मेशन नहीं आई है और जहाँ पर इसका टीजर को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है। और संक्रांति पर इस फिल्म का एक अट्रैक्टिव और क्यूट वाला रोमांटिक पोस्टर रिवील हुआ है और इसमें अखिल और पूजा की केमिस्ट्री देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 14 थल्ली पुगाथ, ये अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें अनुपमा परमेश्वरन और अथर्व लीड रोल में नजर आएंगे। और बता दो दोस्तों ये फिल्म नाचेस्टर नानी स्टेर 2007 ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म निन्नो कोरी का तमिल रिमेक होगा और इसमें काफी रोमांटिक वाले स्टोरी के साथ कॉमेडी ट्विस्ट भी नजर आएंगे। नंबर 13 हे सिनामिका, ये अपकमिंग तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें दिलकुर सलमान और साथ में आदित्य राव हैदरी और काजल अग्रवाल लीड रोल में नजर आएंगे। और इसमें तीनों का लव ट्रायंगल को दिखाया जाएगा। और जहाँ पर इस फिल्म का शूटिंग अभी चल रही है और ये फिल्म देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 12 रंग दे, ये अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक फिल्म है, हमको नीथिन और साथ में कीर्ति सुरेश लीड रोल में नजर आएंगे। और इस फिल्म के साथ पहली बार के लिए नीथिन और कीर्ति की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नजर आएंगे और जिसका पोस्टर फैंस को काफी पसंद आ रही है। और बता दो दोस्तों रंग दे फिल्म रिलीज होगा 26 मार्च 2021 में। नंबर 11 वरुदु कवालेनु,
ये अपकमिंग रोमांटिक फिल्म है और इसमें नागाशूर्या रितु वर्मा लीड रोल में नजर आएंगे। और जहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर दोनों का एक पोस्टर रिवील हुआ था और जो देखकर फैंस ने काफी इम्प्रेस हुआ और इसमें नागा और रितु के बीच में काफी रोमांटिक वाला केमिस्ट्री नजर आएंगे। नंबर 10 आंटे सुंदरानिकी की अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें नेचुरलिस्ट नानी और साथ में बांग्लादेश फिल्म एक्ट्रेस नाजरिया नजीम लीड रोल में नजर आएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म का फुल राइट ऑलरेडी सोल्ड चुका है। हाँ दोस्तों, जहाँ पर G5 ने इस फिल्म का राइट खरीद चुके हैं एक रिकॉर्ड प्राइस 52 करोड़ में और जो इस फिल्म के लिए एक मैसिव डील है। नंबर 9 सकत, ये अपकमिंग कन्नड़ रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसको डेट करी है सिंपल सुनी ने और इसमें शुरू भी और गोल इनिस्टर गणेश लीड रोल में नजर आएंगे। और इसी फिल्म के साथ गणेश और डायरेक्टर सिंपल का सेकंड कोलाबोरेशन होगा जहाँ पर इन दोनों ने मिलकर पहले चमक जैसे सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। और अगर स्टोरी की बात करूँ तो इसमें प्यार के साथ जुड़ा का प्रेजेंट डे का रियलिटी शो और कोर्ट केस को दिखाया जाएगा। नंबर 8 अदालो मेकु जुहानु, ये अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसको डेट करी है किशोर तिरुमाला ने और इसमें शर्वानंद और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे। और जहाँ पर अभी इस फिल्म का शूटिंग चल रही है, हाँ दोस्तों, जहाँ पर रश्मिका ने अपने मोस्ट अपकमिंग फिल्म पुष्पा का शूटिंग और साथ में इस फिल्म का शूटिंग दोनों को एक साथ चला रही है। नंबर 7 अट्रांगी, असल में ये फिल्म एक बॉलीवुड का अपकमिंग फिल्म है पर जहाँ पर इसमें धनुष राजा लीड रोल में नजर आएंगे और इसी वजह से मैंने इस फिल्म को इस लिस्ट पर ऐड किया हूँ। और ये अपकमिंग हिंदी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है और इसमें खिलाड़ी अक्षय कुमार, धनुष राजा और सारा अली खान लीड रोल में नजर आएंगे। और बता दोस्तों, और ये फिल्म धनुष का थर्ड हिंदी फिल्म है और इसमें खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ बरसरा सुपरस्टार धनुष का कॉम्बो पैक देखने के लिए फैंस ने काफी एक्साइटेड है। नंबर 6 उपेना, ये अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक फिल्म है और इसमें पंजाब कृति शेट्टी और विजय सेतुपति लीड रोल में नजर आएंगे। जहाँ पर इसमें कृति एक कॉलेज स्टूडेंट है और इसमें विजय सेतुपति को उनके फादर के रोल में नजर आने वाले हैं और जहाँ पर इस टीजर को काफी पॉजिटिव व्यू मिल रही है। नंबर 5 पोगाड़ू, ये अपकमिंग कन्नड़ एक्शन ड्रामा रोमांटिक फिल्म है और इसमें एक्शन प्रिंस ध्रुवा सरजा, रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे। और जहाँ पर काफी हाई ऑक्टेन एक्शन सीन के साथ रोमांटिक सीन भी दिखाया जाएगा और इस फिल्म को कन्नड़ के साथ ही साथ तेलुगु भाषा में भी रिलीज कर दिया जाएगा। और बता दो इस फिल्म का बजट है 25 करोड़ और इस फिल्म पर ध्रुवा सरजा के साथ रश्मिका की क्या ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। नंबर 4 ओह माना पिंडे, ये अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें हरीश कल्याण और प्रिया भवानी लीड रोल में नजर आएंगे। और बता दोस्तों, ये फिल्म 2016 का ब्रॉड हीरो विजय देवरकोंडा स्टारर ब्लॉकबस्टर फिल्म पिल्ली चोपुलो का तमिल में होगा। नंबर 3 गुड्डुंडा सीताकलम, ये अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें सत्या देव और तमन्ना लीड रोल में नजर आएंगे। और जहाँ पर इस फिल्म का शूटिंग अभी चल रही है और बता दोस्तों, ये फिल्म 2020 का ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म लव मॉकटेल का तेलुगु में होगा। नंबर 2 साशी, ये अपकमिंग रोमांटिक फैमिली थ्रिलर फिल्म है और इसमें आदिशाय कुमार और रशि सिंह लीड रोल में नजर आएंगे और इसमें एक यंग म्यूजिशियन का ड्रीम के साथ जुड़ाकर प्यार कहानी को दिखाया जाएगा। नंबर 1 राधे श्याम, ये अपकमिंग पैन इंडियन पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें डार्लिंग प्रभास और पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आएंगे। और जहाँ पर अभी ये फिल्म सारे अपकमिंग रोमांटिक फिल्मों से सबसे मोस्ट हाइपफुल अपकमिंग फिल्म है और जहाँ पर इसका स्टोरी 1970s का यूरोप का रोमांटिक ड्रामा सेट पर बेस्ड है, यानी कि एक प्योर रोमांटिक हीरो के रोल में नजर आने वाले हैं रेबल स्टार प्रभास को। और इस फिल्म से रिलेटेड फर्स्ट लुक टीजर सभी चीजों को फैंस ने काफी पसंद की है जहाँ पर सभी चीजें दूसरे रोमांटिक फिल्मों से काफी अलग है। और जहाँ पर इस फिल्म का लोकेशन स्क्रीन प्ले काफी मैसिव ढंग से बनाया जा रही है और इसी वजह से ये एक रोमांटिक फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म का बजट काफी हाई है और राधे श्याम का बजट है 250 करोड़ प्लस। और बता दोस्तों, ये एक पैन इंडियन रोमांटिक फिल्म होगा जिसको तेलुगु के साथ ही साथ हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज कर दिया जाएगा और ये फिल्म रिलीज होगा 2021 में। दोस्तों, अब डार्लिंग प्रभास का राधे श्याम के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। दोस्तों, ये रहा साउथ का कुछ अपकमिंग रोमांटिक फिल्मों के बारे में और इस फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए अब ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सके बॉलीवुड साथ अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।